Let us discuss about module disease viruses. Discovery of viruses. Viruses discovered as well. Johnson's Chamberlain और लुईस पास्टर के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जो रेबीज का एजेंट था उसको जब पोस्टलीन पेपर से गुजारा गया तो वो उससे गुजर गया, जबकि बैक्टीरिया के जितने भी स्ट्रेन उन्हें यूज किए तो वो जो थे वो फिल्टर हो जाते थे पोस्टलीन पेपर के साथ। उसके बाद 1892 में इवनस्की ने टोबैको प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो लिए और उनके उनके जूस से एक जो ऑर्गेनिज्म निकाला एक और उसको जो है पोस्टलीन से पास किया तो वो इजिली पास हो गया। 1935 में स्टैनली ने इसको जो है क्रिस्टलाइज्ड किया और इसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस रखा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, एक केस होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी शेप क्या है, उनका साइज क्या है। तो कुछ वायरसेस होते हैं कि वो रॉड लाइक होते हैं, हेलिकल शेप रखते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, और कुछ होते हैं जो इनकी शेप इकोसाहेड्रल होती है या जिनकी शेप पॉलीहेड्रल होती है जैसे बैक्टीरियोफेज। कुछ होते हैं जिनकी शेप स्फेरिकल होती है जैसे रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। और एक और बेस होती है जो जिसके ऊपर क्लासिफाई करते हैं वो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ये इधर इट इज सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड। डीएनए न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर हो सकता है या आरएनए। अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो ये पॉक्सी वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ये पैरो वायरस है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है जैसे यू वायरस, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जैसे इन्फ्लुएंजा, रेट्रो वायरस, एचआईवी और जोगा वायरस। इसके बाद क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑफ डिजीज के वायरसेस कौन कौन सी डिजीजेस करती है। जो पॉक्सी वायरस है वो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स करता है एनिमल्स। जो एचआईवी रेट्रो वायरस ये डिजीज कॉज करता है एड्स। जो रियो वायरस ये कॉज करता है डायरिया, इन्फ्लुएंजा करता है फ्लू, जबकि जो मम्स और मीजल्स हैं उनको परमॉक्स वायरस करता है। उसके बाद क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के वायरस जिस होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं और डिजीज कास्ट करते हैं वो होस्ट कौन सा है। अगर तो वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया फेज होगा, अगर वो प्लांट है जैसे कि टोबैको प्लांट हो गया तो टोबैको के अंदर भी ये जो है डिजीजेस कास्ट करते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट के अंदर काफी वायरसेस जो है ना डिजीज कास्ट करते हैं। एनिमल्स के अंदर जैसे पॉक्सी वायरस स्मॉल पॉक्स काउ पॉक्स करता है, ऐसे रेट्रो वायरस जो है वो एचआईवी करता है, और कोरोना वायरस जो है डिजीजेस के अंदर अगर देखें तो ये हेपेटाइटिस ए और पोलियो करता है। वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस फैलते कैसे हैं, इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले जिस वायरस वायरल डिजीज के ऊपर बात करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। अब एड्स कि सबसे पहले देखें कि इसकी कॉज क्या है। एड्स की जो कॉज है वो ये है कि इसकी जो कॉज है वो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस क्या करता है, ये ह्यूमन के अंदर जाकर एक खास जो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है हेल्पर टी सेल, व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है, उसे जाकर ये अटैक करता है उसके CD4 रिसेप्टर्स को और उसको जो है बिल्कुल ही एक किस्म का जो है ना वो इनएक्टिव कर देता है। हेल्पर टी सेल का काम ये था कि उसके CD4 रिसेप्टर ने जो एंटीजन है उसको प्रेजेंट कराना था बाकी जो टी सेल्स हैं उनके साथ, बी सेल्स हैं, ताकि उनकी जो वो फिर उस एंटीजन के जरिए बहुत सारी कॉलोनीज जो है ना टी सेल्स की और बी सेल्स की बन सकें, और इम्यूनिटी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी, मेनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एड्स के वायरस ने इसके ऊपर हमला कर दिया, अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी गई उसमें देखी और उसके बाद उसकी जो इनबोर्न इम्यूनिटी थी, इननेट इम्यूनिटी, वो भी गई, अब वो बिल्कुल सस्टेनेबल हो जाएगा इन्फेक्शन का, मतलब उसे इन्फेक्शन होने लग जाएंगे काफी ज्यादा और उसे हर बीमारी जो बैक्टीरियाज होंगे जितने भी जहाँ भी होंगे उसके इंटेस्टाइन में होंगे तो वो उधर डिजीज कॉज करना शुरू करने के डायरिया हो जाएगा उसे, अगर माउथ में होंगे तो उसे अल्सर्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एड्स की सिम्टम्स, अब एड्स में फीवर, चील्स, दर्द, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, उसके बाद रैश, नाइट स्वेट्स, डायरिया, क्योंकि बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है तो
तो उसकी इंटेस्टाइन बैक्टीरिया होंगे, वो डाइजेशन कर देंगे, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ जजमेंट, डिप्रेशन। और जब फाइनल स्टेज आता है, इसके स्टेजेस होती हैं, पहले स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स बढ़ती जाती हैं, इसकी लास्ट स्टेज है ना फाइनल स्टेज, उसमें फिर वेट लॉस शुरू हो जाता है और उसके बाद वीकनेस हो जाती है, डायरिया होकर तो जो न्यूट्रंट्स होते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहे उसी तरीके से, वेट लॉस हो गया और वीकनेस हो गई। इसको जो है ना ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन डिजीज भी कहा जाता है, कि इसके होते ही जितनी भी डिजीजेस इम्यूनिटी ने रोकी हुई थी वो होना शुरू हो जाती है इंसान। एचआईवी का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, सो जो हर वाला वाला होता है स्फेरिकल होता है, जो इसका कोर होता है वो बुलेट शेप होता है, और उसके कोर के अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके जो लाइफ साइकिल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इसका आरएनए है उसको डबल स्टैंड, उसको डीएनए में तब्दील करता है। उसके बाद प्रोटीएज है, तो वो प्रोटीन्स जो मोस्टली प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेकडाउन के लिए होते हैं, और इंटेग्रेज जो है उसका उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एंट्री दिलाते हैं। अब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कि ट्रांसमिट कैसे होता है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फ्लूइड्स के, ब्लड के साथ, मिल्क के साथ ये ट्रांसमिट होता रहता है। उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, सैलेंट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी जो वायरल डिजीज देखनी है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इंफ्लेमेशन या इंफेक्शन ऑफ लीवर को कहते हैं। अब वायरल जो हेपेटाइटिस वायरस है उसने रेप्लिकेट किया जाकर लीवर में, लीवर को उसने जो है ना इन्फ्लेमेशन कर दी। जो हेपेटाइटिस ए है वो होता है पिकोमा वायरस की वजह से, इसके सिम्टम्स में वही फीवर आ गया, एनोरेक्सिया, नौसिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, स्टॉक पेन, तो जैसे ही लीवर की जो है ना इन्फ्लेमेशन होती है तो जो जो रोल लीवर कर रहा होता है बेसिकली वो जो है ना डिरेंज हो जाते हैं, और इसी वजह से ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो पटना वायरस की वजह से होता है, और जो सी है वो क्लैविंग वायरस, और हेपेटाइटिस डी एक वाहिद जो है टाइप है हेपेटाइटिस डी जो कि वायरॉइड की वजह से होती है, वायरस की वजह से नहीं होती। और जो हेपेटाइटिस डी है ये सीवियर होता है हेपेटाइटिस बी से। हेपेटाइटिस है वो भी एड्स की तरह फ्लूइड से फैलते हैं, फ्लूइड से फैलते हैं, फीसिस से फैलते हैं, फीसिस ऑफ इंफेक्टेड इंडिविजुअल। इसके बाद वायरल डिजीज है हर्पीस सिंप्लेक्स। हर्पीस सिंप्लेक्स इसमें जो बॉडी की आउटर ओपनिंग्स हैं उनके ऊपर सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे माउथ हो गई या जेनिटल्स हो गए तो उनके ऊपर सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो ओरल हर्पीज है ये इसकी काज होती है हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप वन वायरस, और ये जो है अगर तो सोर्स के साथ कॉन्टेक्ट तब भी फैलता है, सलाइवा से, टूथ ब्रश शेयरिंग से, और इसके सिम्टम्स में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं लिप्स के ऊपर, फेस के ऊपर, टांग के ऊपर। पोलियो एक और वायरल डिजीज है और काफी नॉन डिजीज है, पोलियो पोलियो वायरस की वजह से होती है। अब इसके सिम्टम्स में ये होता है कि जो पोलियो वायरस है ये इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हुआ और सीएनएस में जाकर ब्लड के जरिए उधर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर रेप्लिकेट रहता है और उन्हें डैमेज कर देता है। जब मोटर न्यूरॉन्स डैमेज रहते हैं तो मसल्स की पैरालिसिस शुरू हो जाती है। इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो फीकल ओरल फ्लूइड से होती है। इन्फ्लुएंजा 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 वायरस से होता है, इसका फ्लू होता है, इस ट्रांसमिशन जो है कॉन्टैक्ट। इसके स्ट्रक्चर से होता है कि एट पीसेज होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, और इसका जो इन्वेलप होता है वो राउंड बॉल होता है।